नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः ज्ञानतिमिरान्धस्तिज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितुं मेन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः अतुलितबलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाद्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामुधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वात्जातं नमामि मनोजो मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातातुजं वागरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कस राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम जयकारा थोड़ा उच्चे सुर से आप सभी लोग बोलिएगा। नींद तो नहीं आ रही आप लोगों को? अच्छा जय हो। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। थोड़ा और धीरे बोलो शंकर भगवान की। और धीरे बोलो हनुमान जी महाराज की। और धीरे से बोलो दुर्गा माता की। बहुत बहुत सुंदर आशीर्वाद साधुवाद धन्यवाद परमादरणीय प्रातः स्मरणीय पूज्य के कुल कमल दिवाकर परम संत श्रोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अखिल ब्रह्मांडपति गुणपति सर्वनेता सर्वस्त्र जगत नेता जगदेश्वर रोम रोम में रमण करने वाले कण कण में व्याप्त करतु मकर्तु मनथा करतु करुणा वरुणालय प्रभु श्री राम जी के पारो श्री चरणों में सबसे पहले मेरा कोटि बार वंदन अभिनंदन। प्रभु श्री राम जी के पांच पक्ष चरणों पर चलने वाले कथा पांडाल में बैठे सभी हमारे विवेकशील बुद्धिजीवी धर्मानुरागी श्रोता महानुभाव श्री सीता ऋषिया सावित्री बहुरा सुकृति गुमड़ी जावंती सत्यभामा ऋषिया मंदारसा गार्गी बहुरा के पाण पर चिन्हों का अनुसरण करने वाली पांडाल में बैठी सभी रचनिया बंदनिया पूजनिया मुक्तामयी करुणामयी दयामयी समस्त हमारी माताएं बहने देवी स्वरूपा सभी छोटी छोटी बालिकाएं एवं भरत के समान भारत के भव्य भुवाल कर्णधार नवनिहाल होनहार राम धन श्याम राम धन प्रहलाद जैसे बैठे छोटे छोटे भारत के कर्णधार बच्चों सिया राम मैं सब जग जानी करम प्रणाम जोर जुग पानी की भावना हृदय में रखते हुए आप सभी को यथोचित वंदन अभिनंदन। तो आइए सबसे पहले एक भजन माता रानी के चरणों में हम आप सभी लोग अपना प्रणाम नमो मां भगवती के चरणों में लगाए। प्रिंस बोलो सेना वाली मैया की सच्चे दरबार की हल्दी छोर बाबा की कहना है मैया से ओ माँ बुला ले बुला ले बुला ले बुला ले अपने दरबार में माँ
प्रस्तुत कही गई। देखा जाए भगवान की यह पावन कथा, कथा कथे कथो, सुनो समझो विचार करो और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। बड़ी सुंदर चर्चा आप सभी सुन रहे थे अभी,
कि देखो जब जब धरती पर पापाचार दुराचार अत्याचार व्यभिचार अनाचार बढ़ा है तब तब धरती पर भगवान का अवतार हुआ है। सुनिएगा अपने समय के अंतर्गत धरती पर भगवान के कुल 24 अवतार हुए और 24 अवतारों की कथा श्रीमद् भागवत में सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित जी को सुनाई है। और 24 अवतारों में से जो दो मेन अवतार हैं रामा अवतार और कृष्णा अवतार, क्योंकि ये दो मेन अवतार हैं धरती पर भगवान के आने के। देखो जब कंस का अत्याचार बढ़ा तो भगवान कृष्ण का अवतार हुआ और जब रावण का अत्याचार बढ़ा तो राम जी का अवतार हुआ। अब देखिए राशि दोनों की एक ही है, सुनिएगा राम रावण कंस कृष्ण राशि तो एक ही है ना, लेकिन भैया राशियों पे कभी भरोसा मत करना। राशि तो एक बहुत लोगों की होती है लेकिन भरोसा करना अपने कर्म पर।